फ्रेंड्स आपने देख लिया किस तरह से हमने स्क्रीन पे जो हैप्पी वैलेंटाइन डे की वीडियोस बनाई है। ऐसी वीडियोस आप भी बना सकते हो। तो कैसे बनाना है आपको इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा। तो आपको करना क्या, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियोस बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे देख पाओ। तो फ्रेंड्स मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सम्राट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी वीडियोस को एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइनमास्टर। आपको इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर काइनमास्टर को ओपन करके रखे हैं। तो हम अभी यहाँ पर जो प्लस का आइकॉन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर 9.16 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेंगे। अभी फ्रेंड्स आपको जो भी फोटोज़ ऐड करना है अपने वीडियोज़ बनाने के लिए वो सब सारे फोटो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। वापस हम मीडिया पर जाएंगे और अपने फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सारे फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो समझ लीजिए फ्रेंड्स हमने इतने फोटोज़ को ऐड कर लिए। फ्रेंड्स अभी आपको क्या करना है, अगर आपके फोटोज़ बराबर सेटअप नहीं आ रहे तो उसे साइज़ में लेने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है फ़ोटो पे और यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपने फ़ोटो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो बराबर का आइकॉन इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए ताकि ये जूम इन जूम आउट नहीं होगा, ठीक है। अभी सेकेंड फ़ोटो पर भी हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी इसे एडजस्ट कर लेंगे। और उसी तरह से फ्रेंड थर्ड वाले फोटो को भी सिलेक्ट करके आप एडजस्ट कर लीजिए, जो भी है सारे एडजस्ट कर लीजिए आप। फोटो को एडजस्ट कर दिया। अभी फ्रेंड्स जो फोटो के बीच में आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है यानी कि दो फोटो के गैप दिख रहा है आपको, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ एनिमेशन डाउनलोड्स करके रखे हैं। आप जो है यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर गेट मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर जो है ये वाले को सिलेक्ट करते हैं और ये वाले एनिमेशन को ऐड कर देते हैं। उसी तरह से फिर सेकंड पर क्लिक करते हैं, हम वापस इसी पर क्लिक करेंगे और ये वाले फ़ोटो को यहाँ पर एनिमेशन दे देंगे। इसी तरह थर्ड पर क्लिक करेंगे या वापस इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये वाले एनिमेशन को दे देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है इस पर एनिमेशन दे दीजिए। हमने बहुत सारे एनिमेशन डाउनलोड करके रखे फ्रेंड्स, इसलिए हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम ये वाले फ़ोटोज़ को यहाँ पर दे देते हैं एनिमेशन। इस तरह से फ्रेंड्स आप जो एनिमेशन दे सकते हैं आपको सिर्फ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने सब में एनिमेशन दे दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, वीडियो को डाउनलोड कर लेना है यानी एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वापस हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं किस क्वालिटी में आपको करना है, वहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिए और एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जो है आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अभी यहाँ से फ्रेंड्स हम वापस बैक आएंगे। बैक आने के बाद फ्रेंड्स आपको वापस प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से फ्रेंड्स आपको ये वाला 9.16 वाला जो रेशियो है उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से एक जो है बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, इसे इसका जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी फ्रेंड्स मटेरियल यूज़ होंगे उसका जो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फ्रेंड्स हम इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर लेते हैं अपनी फिंगर की मदद से, ठीक है। जहाँ तक कि आपको वीडियोस बनाना है वहाँ तक आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स वापस आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे, और यहाँ से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक फ़ोन का जो PNG यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है इसे यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी अपनी फिंगर की मदद से पूरी वीडियोस तक लेंगे हम। वापस फ्रेंड्स हम यहाँ पर जाते लेयर पे, मीडिया पे, यहाँ से फ्रेंड्स हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और वापस यहाँ पर आएंगे हम ब्लाइंडिंग पे और इस पर हम स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। और इसे थोड़ा हम जूम कर लेते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसे भी हम पूरी वीडियो तक लेंगे फ्रेंड्स, लास्ट तक ले लेते हैं। स्टार्टिंग में आते हैं, लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर, और यहाँ पर फ्रेंड्स हैप्पी वैलेंटाइन डे का PNG है यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हैं हम। सबका जो लिंक है फ्रेंड्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। इसे फ्रेंड्स हम जूम करते हैं और यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दिया, वापस अपनी फिंगर की मदद से इसे दूर तक ले लेंगे, ठीक है। अभी फ्रेंड्स यहाँ इतना हो गया। अभी फ्रेंड्स ये जो मोबाइल फ्रेम के अंदर में हमने जो वीडियोज़ डाउनलोड किए उसे ऐड करेंगे। तो वापस हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे,
यहाँ पर हमने वीडियोज़ एक्सपोर्ट की थी उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और फ्रेंड्स वापस इस तरह से हम इसे छोटा कर देंगे अपनी फिंगर की मदद से और यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे इसे इस तरह से। फ्रेंड्स हम यहाँ एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फ्रेंड्स हम सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो ये बैक चला जाएगा और इसे हम थोड़ा वापस एडजस्ट करेंगे। ये देखिए तो फ्रेंड्स हमने इसे अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। अभी फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो जो है देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी, बहुत ही अच्छा। अभी फ्रेंड्स हम इसके अंदर लिरिक्स ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिरिक्स भी डाउनलोड करके रखा है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स वापस हम आएंगे यहाँ पर ब्लाइंडिंग पे और इस पर आएंगे हम यहाँ पर डार्केन पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स तो ये जो वाइट बैकग्राउंड था रिमूव हो जाएगा और इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देंगे, यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देंगे और ये इस तरह से चलने लगेगा, देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद एक एनिमेशन टेम्पलेट हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे, यहाँ पर से हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हम ये ब्लू वाला जो है हार्ट का इसे ऐड करेंगे। नीचे आएंगे, आने के बाद फ्रेंड्स ब्लाइंडिंग पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स वापस हम इस फोटो पर ही क्लिक करेंगे और इसे जूम कर लेंगे कुछ इस तरह से ताकि ये पूरी वीडियोज़ तक रहे, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। अभी फ्रेंड्स और वापस इस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर हम फ्रेंड्स एक्स्ट्रा म्यूजिक है तो उसे हम यहाँ से म्यूट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ क्योंकि हमने ऑलरेडी जो हमारा लिरिक्स सॉन्ग का इसके अंदर है उसके अंदर म्यूजिक है तो इस तरह से फ्रेंड्स ये वीडियोज़ आपको दिखाई देने लगेगी। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो वीडियोज़ बनाई थी छोटा बनाया था यहाँ तक ही बनाई थी तो हम क्या करेंगे, बाकी का जो हमारा बैकग्राउंड था उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे यानी कि ट्रिम कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है बाकी के पार्ट्स को कट कर सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम बाकी के पार्ट्स के ऊपर क्लिक करके सेम साइज़ में हम इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने वीडियो जो बनाई थी बन के कंप्लीट तैयार हो गई। फ्रेंड्स आपको ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करना, सब बना बनाई चीज़ है, आपको बस थोड़ा इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स आपकी वीडियोस कंप्लीट बन के तैयार हो गई। फ्रेंड्स अगर आपको कोई एक्स्ट्रा अगर सॉन्ग चाहिए, अगर अलग से आप कोई सॉन्ग लगाना चाहते हो, यहाँ पर देखिए ऑडियो पर क्लिक करके आप इसके अंदर आप अलग से सॉन्ग ऐड कर सकते हो। इसके अंदर फ्रेंड्स आपके फोन में जो भी सॉन्ग्स रहेंगे आपको यहाँ पर शो करेंगे, उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है अपना एनुअल तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है वैलेंटाइन की वीडियोस बना सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरी ये वीडियोस आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख पाओ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इससे फ्रेंड्स आपके फ़ोन में आपके फ़ोन में ये वीडियोज़ डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप इसे सोशल मीडिया पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपना व्हाट्सअप स्टेटस भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियोज़ तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।